हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस सच आपके लिए क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है आपके लिए। सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, या फिर दिल की बात नहीं कह रहे। देखते हैं इन मैसेजेस के थ्रू आपसे वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। पहला सबसे खूबसूरत मैसेज है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और याद मतलब ऐसा ना कि मिसिंग एनर्जी नहीं, याद कर रहे हैं मतलब लिटरली आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आपको फील कर पा रहे हैं। इतनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है। और जैसे मैंने शाम की रीडिंग में फील कर रहा था कि ये ना मैनिफेस्टेशन के थ्रू ना आपको कोई टेलीपैथिक कम्युनिकेशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। और पॉसिबल है कि आप उनकी एनर्जी से मूव ऑन की एनर्जी है, या फिर ब्लॉक की एनर्जी है, या फिर डिलीटेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। क्योंकि आप ऐसा लग रहा है नाराज़ हो, गुस्सा हो, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, दर्द हो, और आपको बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया है। तो इसकी वजह से इनको एहसास तो है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, और ये लिटरली चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए और एक दूसरा मौका मांगे आपसे। क्योंकि उन्हें पता है कि आप इन्होंने गलती की है, बस आप उनको माफ़ करो, एक दूसरा मौका दो, ये वो चाहते हैं। और अगर आप उनकी तरफ कोई क्लोजर फीलिंग वाली रखे हो तो ऐसा लग रहा है कि ओपन योर हार्ट, इसे मतलब ऐसा लगता है ना कि ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू लव फील करते हैं। भले वो किसी सिचुएशन में हो, किसी के साथ हो, बट वो प्यार तो आपसे ही करते हैं। शायद वो खुद ही इस बात को नहीं जानते, मतलब इट्स लाइक बोलते तो है लेकिन जो फील करते ना एकदम सोल लेवल पे, शायद वो खुद ही नहीं समझ पाते कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग। और जब भी ये मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, शांत बैठने की कोशिश करते हैं, तब आपका ख्याल बार बार आता है, आपका ख्याल आते हैं। कोई ख्याल है बहुत ज़्यादा डरा रहा है, स्पेशली डराने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि ये अपने अभी सच्चे प्यार को खोना नहीं चाहते। वो लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि जल्द से जल्द आपके पास आए और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दे, आपको कुछ मतलब आपको कुछ समझाए, आपको कुछ इम्प्रेस करे, ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लगता है कि आपका गुस्सा इस वक्त इनको फील हो रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली विद ड्रिंकिंग, लाइक ना एनीथिंग इज ड्रिंकिंग, लाइक पानी है उस वक्त, पानी ड्रिंक कर रहे हैं, कोई अल्कोहल, कोई ड्रिंक है, जो भी है, बट एक ड्रिंकिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, इनकी तरफ से ऐसा है, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है। सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इनको सबसे बड़ा चीज़ जो कहना है आपसे वो है कि इनका दिल सिर्फ आपका है। इट डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, आपसे दूर रह के बिल्कुल खुश नहीं है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू हैव टॉट मी, आपकी वजह से, या आपने कुछ कहा है, या आपने हमेशा उनको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश की है, तो अभी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उनको सही मिलता है कि आपने हमेशा उनका साथ दिया और सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्पेशली ऐसा लग रहा है रिसेंट सिचुएशन के लिए, कि इनका कहना है कि इन्होंने जो भी कर रहे हैं या जो भी किया है वो जानबूझ के नहीं किया है, आपको जानबूझ के हर्ट करने का इनका कोई इरादा नहीं था। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, सो इन्हें पता है कि इनकी गलती है, यस इनकी गलती है, अपने प्यार के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है।
जस्ट से समथिंग टू मी अगेन, फील हो रहा है कि आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है। मतलब इट्स नॉट जानबूझ के आप अभी इतनी तकलीफ में आ गए ना कि आप बस कुछ नहीं कहना चाहते, और इनका कहना है कि कुछ तो कहो, ये आपकी आवाज़ मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, ये आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, जस्ट वहाँ पे ना जहाँ पे सिर्फ आप और दो वो हो, दोनों ही हो। आई लव वेन यू फ्लर्ट विथ मी, सो आपका आप मतलब दिस लव कि आप जिस तरह से उनको अटेंशन देते थे ना, प्यार करते थे, अटेंशन स्पेशली, वो हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही कि ये सब चीज़ अलग था, मतलब ये सब चीज़ आप ही करते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। सो थर्ड पार्टी के लिए अगर आप इनसिक्योर हैं तो इनका कहना है कि इनसिक्योर होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। भले हम साथ नहीं हैं या साथ हो नहीं सकते, बट मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता या दे सकती एनर्जी वाइज एटलीस्ट, ये इनका कहना है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू कॉज मी। अगर ब्लॉक या नो कॉन्टैक्ट या डिलीट, जो भी सिचुएशन आपकी तरफ से जहाँ पे आपने क्लोज ऑफ एनर्जी में है, तो डेफिनेट इनको ऐसा आपको मैसेज पहुँचाना है कि प्लीज़ ओपन योर हार्ट। एंड आपको पता नहीं है कि इनको कितनी तकलीफ हो रही है। सो ये थे मैसेजेस इनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।